फ्रेंड्स, रसोई मीना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे रसोई में मुगलाई पराठा बनने वाले हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं, एंजॉय द रेसिपी। मुगलाई पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं एक कप मैदा, ले लेते हैं एक परात, इनमें हम ले लेते हैं मैदा। फ्रेंड्स, मुगलाई पराठा मुगल के समय से ही इनका नाम है मुगलाई पराठा। वो लोग काफ़ी शौकीन थे खाने में। इसी कप से हम एक कप आटा लिए हैं। इस चम्मच से दो चम्मच तेल को हम गर्म कर लिए हैं, क्योंकि हम सरसों तेल में बनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। चुटकी भर नमक इनमें लेंगे, बाकी नमक हम रख लेंगे स्टफिंग के लिए। तो बस थोड़ा सा नमक। अब हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से तेल और नमक को मिला लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे। हम एक गिलास पानी लिए हैं। इनको ज़्यादा सख्त भी नहीं डो लगाना है और ज़्यादा मुलायम भी डो नहीं लगाना है, यानी मीडियम डो लगाना है। तो इनको हम धीरे धीरे पानी लेकर के इसी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको मसल मसल के इनको थोड़ा सा पानी छिड़काव दें। तो हम टोटल एक गिलास पानी लिए थे, जितना ज़रूरत होगा पानी को हम कम ही लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इतना पानी बच गया है यहाँ पर। तो बस अब पानी नहीं लेना है इनको, बस एक मिनट मसल मसल के इस तरह से आटा को अच्छे से गूँथ लें। यहाँ पर अच्छे से हम डो लगा करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ पर तेल या घी ले और इनको अच्छे से रेस्ट होने के लिए रखें। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। एक बर्तन से ढक दीजिए इनको झाँप के इस तरह से। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। हम 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। ग्रेटेड पनीर आप काट करके भी डाल सकते हैं। और एक गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं छिलका उतार करके, ये देखिए। और एक मीडियम शिमला मिर्च को हम बारीक कट कर लिए हैं, ग्रीन वाले। आपके पास रेड है तो उनको भी ले लीजिए। एक मीडियम प्याज को हम बारीक कट कर लिए हैं, आप इनमें बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक नींबू का टुकड़ा के आधा नींबू का जूस। और यहाँ पे हम कुछ मसाला लेंगे। तो मसाला में 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स घर का कूटा हुआ लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया, धनिया के पत्ते, हरे धनिया के पत्ते फ्रेंड्स। अब हम लेंगे इनमें स्वाद अनुसार नमक। तो हम आटा में भी नमक लिए हैं, तो 1/2 छोटा चम्मच नमक। आप कम बेश चेक करके देख सकते हैं कि नमक ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा और हम पनीर मिला लेंगे, अगर कम है तो थोड़ा नमक ले लेंगे। तो हम चलिए स्टफिंग तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको ज़रा देख लेते हैं। तो बस थोड़ा सा इनको मिला लें, देखिए कितना सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर रोल कर लेते हैं इनको इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इनको हम अच्छे से रोल कर लिए। अब आपको जिस तरह से पेड़ा रखना है, जितना छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप कट कर लें। तो हम उस हिसाब से कट कर लेते हैं। कि अब हम एक पेड़ा को हम प्लेटफॉर्म पर ले लेते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डस्टिंग करेंगे। आटा या मैदा से कर सकते हैं आप, इस तरह से बेल लें, जितना पतला आप बेल सकते हैं। थोड़ा सा और हम डस्टिंग करेंगे। यहाँ सकते हैं फ्रेंड्स कितना पतला हम बेल लिए हैं। अभी इनको और तनी मोगलों के अंदाज में बनाना है। यहाँ पे लगा दीजिए सेजवान चटनी। अब हम ले लेते हैं जो स्टफिंग तैयार किए हैं इनको इस तरह से, और इस तरह से इनको ले लें। पतला बेलने के लिए यही मतलब है फ्रेंड्स, कि अच्छे से ये अंदर तक पक जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे पर, एक दूसरे पर चढ़ा दें। ये बारीकी आपको शायद नहीं मिलता होगा देखने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लगा दें हल्का पानी, तो मुंह ना खुले इसीलिए इनको इस तरह से हल्का दबा दें इस तरह से। तो इसी तरह से सारे पराठा को आपको तैयार कर लेना है। लई पराठा बनकर तैयार है फ्रेंड्स, अभी नहीं, अभी फ्राई करना है। ये सारे स्टफिंग तैयार हो गए हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर हम तेल पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स। गैस को कम कर दें और कम करके इनमें जो मुगलई पराठा हम लिए हैं ना, इनको आराम से आहिस्ता से डाल दें मीडियम आंच में, ताकि अंदर तक ये पक जाए। इनको हम अभी अभी पलटे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितना बढ़िया से ये फूले फूले हो रहे हैं मुगलई पराठा। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए इनको हम निकालते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से सारे तेल को आप सिंगार लें। अब हम एक प्लेट पर ले लेते हैं इनको। दूसरा बैच भी हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। करते हुए फटाफट हम प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारी ये बने हैं। और एक हम आपको कट करके दिखाते हैं। तो देखिए इनमें स्टफिंग जो हम किए हैं, कितना बढ़िया ये बने हैं फ्रेंड्स।
देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाह क्या बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए लगी हमारी वीडियो फ्रेंड्स आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।